हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त और होस्ट ऑलराउंडर गेमिंग। तो आज का पहला न्यूज है देसी गेमर्स के बारे में। तो इस होली में फ्री फायर की तरफ से एक सॉन्ग के साथ ही कुछ और भी आने वाला है। तो इसी सॉन्ग का टीजर देसी गेमर्स ने अपनी स्ट्रीम पे सुनाया और इसके साथ ही देसी गेमर्स ने कुछ हिंट दिया जो इस होली में फ्री फायर की तरफ से आने वाला है। तो ये क्या है और इसके ऊपर खुद देसी गेमर्स ने क्या कहा, आप लोग खुद देख लीजिए। हाँ गाइस, ये देखो गाइस, ठीक है गाइस, यहाँ पर द हीरो इज कमिंग लिखा है, मैं दिखा रहा हूँ डिस्प्ले कैप्चर ऑन। सो गाइस देखो, ये एक चीज आने वाला है गाइस, इसमें आप लोग यस करो कि ये क्या हो सकता है, कमेंट में बताओ ये क्या हो सकता है गाइस। देखो सिर्फ इतना ही फोटो देख लो गाइस, ठीक है, मेरे को ये हिंट्स देने के लिए बोला गया है। और बताओ इसमें क्या होने वाला है गाइस, होली में कुछ आ रहा है, फ्री फायर होली लिखा है, हैशटैग 28 मार्च और होली इज कमिंग लिखा है, तो इसमें क्या हो सकता है बोलो। चलो होली इज कमिंग ऐसा कुछ लिखा हुआ है देखो, और बैकग्राउंड में एक बंदा है, कोई एक ही पोजीशन पकड़ा हुआ है। अब ये हीरो कौन हो सकता है, द हीरो इज कमिंग लिखा है बस, और कुछ नहीं लिखा है। और गाइस एक सॉन्ग भी है, ठीक है, वो सॉन्ग भी चलाता हूँ मैं। सर जी ठीक है, जय की एबिलिटी चेंज होगा। भाई तुम तो बहुत बहुत हैवी ड्राइवर हो गए, मेरे को भी यही लगा था गाइस, कसम से मेरे को भी पता नहीं, बट मेरे को भी यही लगा कि जय की एबिलिटी चेंज हो सकती है क्योंकि हीरो बोला और हीरो तो भाई हमारा हीरो जय ही है, ठीक है, तो शायद से हो सकता है कि जय की एबिलिटी चेंज हो, शायद से, मेरे को पता नहीं। और इसके साथ ही परसों को जो FFIC का ग्रैंड फाइनल हुआ था उसमें उनकी टीम सर्वाइवर 4AM ज्यादा अच्छा खेल नहीं पाए, तो उसी के ऊपर जब देसी गेमर्स को उनकी स्ट्रीम पे पूछा गया तो उसके ऊपर देसी गेमर्स ने क्या रिप्लाई दिया, आप लोग खुद देख लीजिए। जिसको भी आना है भाई, सर्वाइवर 4AM के ऊपर दो शब्द भाई, क्या हुई भाई, हार गई, अच्छा नहीं खेला, जिससे सोचा था उतना अच्छा नहीं खेला, बहुत ही जितना सोचा था उससे गाइस बहुत ही ज्यादा वाहियात खेला है, बट यार इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, हार जीत होती है, फाइनल में खेले, आई होप नेक्स्ट टाइम और इम्प्रूव करेगी। और क्या बोलूं, एंड कांग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, वहां तक पहुंचना खेलना, हमारी मेरे गिल्ड वहां पर जाके खेलेगी अपने गिल्ड के नाम से, लोग सोचा भी नहीं था जो कि एक हुआ, दैट्स ऑल यार, आगे और कोशिश बरकरार रहेगी। एक्चुअली जो टीम का गेम था ना वो गेम निकला ही नहीं कल, बट अब छोड़ो वो सब बात को, इग्नोर करो अभी अभी गेम। और एक्स मिनियन ने अपने इंस्टा पे इसके ऊपर सॉरी बोलने के साथ ही अपने चैनल पे एक वीडियो भी अपलोड किया, तो इस वीडियो में एक्स मिनियन ने क्या कहा देख लीजिए। सॉरी गाइज, हम लोग हार गए, FFIC खत्म हो गया, एंड मुझे नहीं पता क्या हुआ, मैं बहुत गंदा खेला, लीग स्टेज में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद फाइनल में जाके मैंने हक दिया, क्या हुआ पता नहीं, बट सॉरी कि आप लोग सोच रहे थे हम अच्छा परफॉर्म करेंगे लेकिन हमने बहुत गंदा परफॉर्म। हमारा अगला न्यूज है TAG लेजेंड के बारे में। तो ऋतिक ने जो उनके साथ चैनल हाइड करके प्रैंक किया था, तो उसके बाद जब उनका चैनल वापस आया तब उसमें 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा था, तो उसके ऊपर ऋतिक ने ये कहा कि उसमें से एक स्ट्राइक पर ऋतिक ने अपील किया था और वो हट भी चुका है, पर अभी भी लेजेंड के चैनल पे एक स्ट्राइक लगा है और इसके वजह से शायद लेजेंड कुछ दिन के लिए अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर नहीं पाएंगे, तो आप लोग सुन लीजिए कि इसके ऊपर इन दोनों ने क्या कहा था। मैनेजर का क्या गलती, तेरी गलती ना, वो बेचारा क्या करेगा, गलती तू करेगा। हाँ इसका अकाउंट आ गया बट आने के बाद सीन हो गया, इसको 2 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई। तो गाइस अभी लेजेंड भाई कुछ वीडियो वगैरह अपलोड नहीं कर सकते भाई, भाई नीचे बंदे ऐसा नहीं या कि 2 आई कि 1 आई, ऐसा तो देखता वो क्रोम में, बे 2 आई इतना मैं देखा, 2 थी उधर भाई, नहीं एक गाइडलाइन वाली आई है ना, हां एक गाइडलाइन वाली आई है, एक मैंने अपील डाली अभी और एक क्या, नहीं दोनों गाइडलाइन, तो चलो मैं 2 हफ्ता नहीं डालूंगा, हां 1 हफ्ता नहीं डाल पाएगा, वो एक एक्टिव है, एक तेरी हो गई, एक क्लियर है, ऐसा सीन। अगला न्यूज है एरो गेमिंग के बारे में। तो एरो गेमिंग ने कहा कि वो अपने जर्नी के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, तो ये किस तरह का वीडियो होगा उसके बारे में बात करते हुए एरो IB ने क्या कहा, आप लोग खुद देख लीजिए। एरो गेमिंग की जर्नी के ऊपर स्टोरी टाइम कब आएगा, बहुत जल्दी आएगी एंड डेफिनेटली बहुत मजा आएगा, पूरी स्टोरी कुछ अलग तरीके से, पूरा इस तरीके से दिखाएंगे कि देखने में भी सब चीजें अच्छे से समझ में आए कि कैसे कैसे हम लोग इस लाइन में आए एंड किस तरीके से ग्राइंड किया और क्यों किया,
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी सब कुछ रहेगा जर्नी में। और शायद बहुत जल्दी SAS गेमर का एक ब्लॉग वीडियो आएगा, क्योंकि इसी के ऊपर SAS गेमर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर किया। बात करते हैं टूबी गेमर के बारे में, तो उनके स्ट्रीम पे किसी ने उनको गाली देते हुए कहा कि वो बस सुपर चैट देने वालों को ही ऐड करके खेलते हैं। तो ऐसा बोलने पर टूबी गेमर ने इसके ऊपर क्या रिप्लाई दिया देख लीजिए। साले सुपर चैट लाई मात्र एड गर्छ रे भाई, उनीहरुले मेहनत गरेर आफ्नो पैसा दिन्छ भने उनीहरुको हामीले पैसाले एप्रिशिएट गर्नु पर्दैन? 1000 रुपैयाँ दिन्छ, 1000 रुपैयाँ नै यहाँ हो, हामीले उनीहरुको जस्ट एप्रिशिएट गरेर एड गर्छौँ, त्यसमा के नराम्रो छ र? अरूले त एडै गर्दैन जस्तो गर्छ, तपाईँ 20 रुपियाँ दिनलाई सुधा हामी एप्रिसिएट गरेर एड गर्छौँ कि, बुझ्यौ नि। और इसी के साथ ही कल उन्होंने अपना 2 मिलियन स्पेशल ब्लॉग वीडियो अपलोड किया, और इसमें टूबी गेमर ने डिसेबल बच्चों की याद जाके उनसे मिले, उनको खाना दिया, उनको गिफ्ट दिया, और इन सब के साथ ही टूबी गेमर ने इस वीडियो में अपना 2 मिलियन स्पेशल केक भी काटा। तो आप लोग इसका एक छोटा सा क्लिप देख लीजिए, और पूरा वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि जो हमारा इतना प्यारा प्यारा भाई एंड बहन था कितना अच्छे से गाया। अगला न्यूज है फेम क्लेशर के बारे में। तो फेम क्लेशर ने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने अपने चैनल पे एक ऐप प्रमोट किया था, पर असल में वो एक फ्रॉड ऐप है और उससे लोगों का आईडी बैन होता है। तो इसके ऊपर फेम क्लेशर ने माफी मांगते हुए क्या कहा देख लीजिए। रिसेंटली मैंने एक ऐप का प्रोमो किया था, नॉक्स क्लीनर, सच बता रहा हूँ मेरे को पता नहीं था कि वो ऐसा ऐप है जिससे लोगों की आईडीज बैन होती है, वो इस तरह का ऐप है मुझे पता नहीं था, बट जब मुझे पता चला तो मैंने लिंक एंड वीडियो को ही प्राइवेट कर दिया है। और भाई जो भी लोग स्टोरी डाल रहे हैं वो मैंने जो किया उसके लिए देखो मेरी मिस्टेक थी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती हो गई। टू बी ऑनेस्ट गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता था कि वो एक ऐसा फ्रॉड ऐप है, ऐसा नकली ऐप है जो लोगों के डेटा एंड ये सब लेता है। आई एम सॉरी वंस अगेन। और इसी के साथ ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बात किया कि आजकल काफी सारे लोग रजिस्टर का नाम यूज करके वीडियो बनाते हैं, पर उनसे वीडियोस में रजिस्टर होता ही नहीं, तो लोग बस व्यूज के लिए ऐसा फेक वीडियो बनाते हैं। और इसमें कुछ मिलियन के ऊपर वाले चैनल भी शामिल है जो फेक रजिस्टर को लेकर वीडियो बना के अपलोड करते हैं, और आजकल ये सब और ज्यादा बढ़ने लग गया। तो उसी के ऊपर फेम क्लेशर ने बात किया, तो आपको अगर उनके ये वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और कल जब ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, तो एक बंदा टीम कोड की मदद से स्ट्रीम पे ज्वाइन होके ज्ञान गेमिंग को अज्जू भाई बुला के डीजे आलोक मांगने लग गए, और ज्ञान गेमिंग को अज्जू भाई बोलने पर सभी स्ट्रीम पे हंसने लग गए। तो ये फनी सीन क्या था आप लोग खुद देख लीजिए। हेलो समीर भाई, बिग फैन। हाय समीर भाई, हेलो हेलो भाई, बिग फैन करो भाई, अज्जू भाई, अज्जू भाई बिग फैन करो भाई, भाई बिग फैन भाई, डीजे आलोक है। हां 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 अरे अज्जू भाई तेरा बंद कर दिया भाई, मैं नहीं देता भाई, मैं नहीं देता भाई। अरे भाई तेरे पास 12,000 डायमंड है भाई, दे दो ना भाई। 12,000 डायमंड? अच्छा ये बात कहाँ से सीखा तुमने, पढ़ाई कहाँ से किए थे, कौन सी कलर कौन सी डिक्शनरी देखे थे तुम यार बताओ। कोरोना दे दो, कहाँ से ला दो देंगे, तुम कहाँ से आते हो भाई? नाइन्थ क्लास में हूँ भाई। नाइन्थ क्लास में हो? अच्छा तुम्हारा आजू भाई किस में खेलते हैं, फोन में खेलते हैं कंप्यूटर में खेलता है? अरे बोल रहे तो डीजे ने अज्जू भाई से मांगो ना, तुम्हारे जो डीजे ने वो अज्जू से मांगो ना, अज्जू से तुम्हारा जो अज्जू भाई है उससे मांगो। मैं दूं दे दो ना भाई। मैं क्यों दूंगा भाई, ले आलो, मैं क्यों दूं, मैं दे देता ना,
मेरा नाम अज्जू भाई है भाई, भाई। मैं अज्जू भाई हूँ, मैंने देता भाई यार, वो गैस होगा वो देता है। सुनो सुनो, मैं हूँ अजय, टोटल के वेलकम, ठीक है। मैं नहीं देता भाई, वो गैस देता है। अरे भाई तुम गैस चैलेंज चेक कर लो ना भाई, वो देता है गैर चल के नाम है, वो देता है भाई, मैं नहीं देता भाई यार, गलत चल पे आ गए भाई। गैस गाइस यार देखो, मैं हूँ अज्जू गाइस, ओके मैं आ जाए। हेलो हेलो। और शायद बहुत ही जल्दी डायल इन प्रोस का एक शॉर्ट मूवी आने वाला है, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने अपने चैनल पे ये कम्युनिटी पोस्ट किया। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो शुभम हॉर ने कंप्लीट कर लिया है 400 के सब्सक्राइबर, एक्शन बोल्ट ने कंप्लीट कर लिया है 600 के सब्सक्राइबर, और फ्री फायर स्पोर्ट इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर। सो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। और गाइस आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। तो तब तक के लिए बाय।